प्रयागराज में यही बात करके वकीलों ने जो है धरना दिया कि मेडिकल हो यहाँ बेड का व्यवस्था हो, महीनों पर यहाँ धरना प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। आपुल में जो है कितना धरना प्रदर्शन हो रहा, वहाँ भी जो है सरकार नहीं सुनी। जनपद में एक एडिशनल एसपी से बात करके भैया वो मान गया, उसी पर जो है वापस दे दिया। तो हमारी सरकारें कहाँ सुन रही है? हमको तो अपने पैर पकड़ा होना होगा, हमको पैर खड़ा होने के लिए एक बार दो बार मुसलमान लोगों ने रखा, हम लोग इतना दबाव बनाए कि आप लागू करवाइए प्रोटेक्शन एक्ट की बात करके, केवल उसमें आश्वासन दे दिया कि आप प्रोटेक्शन एक्ट की समिति गठित हो गई, वो समिति कितना दिन काम करेगी, कितना दिन में प्रोटेक्शन एक्ट सरकार। हमको ये नहीं कहना चाहते कि मुख्यमंत्री है कुछ काम किया था, शिक्षा के बारे में भी काम किया था, आपके जो है आपके बारे में भी अस्पताल के बारे में भी काम किया था, उसी की देन है। फोन करते हो घर आ जाती है और एक तो फोन नंबर आ जाती है, तो ये बड़ी लंबी लड़ाई है। इसके लिए इधर व्यवस्था करने के लिए एक लाख देश शिक्षा होना बहुत मुश्किल है। यही सरकारें जो है तमाम अनुदान देती है, करोड़ों रुपया विद्यालयों को देती है, प्राइवेट प्राइवेट विद्यालयों को खोलने के लिए एक एक करोड़ रुपया दिया है, किसी को 5 लाख से कम नहीं दिया है। तो प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हो आप, सरकारी को कम नहीं बढ़ावा दे रहे हो, सरकारी को बढ़ा रहे हो, गरीब बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेट्रिक पढ़ रहे हैं, सारी सुविधा तो सरकारी में मिल रही है, ड्रेस मिल रहा है, मिड डे मील मिल रहा है, इसके बाद जो है उनको पढ़ाया जा रहा है, उनकी सारी व्यवस्था देखी जा रही है। इसके बावजूद कोई हम भी एक ऐसी क्या भी नंबर आए भाई, इसलिए है कि वहाँ अच्छे वेतन तो है लेकिन अच्छे किचन नहीं है। वहाँ क्यों किचन नहीं है? वहाँ प्रधान मिला हुआ है, मिड डे मील खा रहा है, वहाँ के अधिकारी मिले हुए हैं। तो हम तो यही कहेंगे देश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जहाँ जहाँ भी चल रहा है, वहाँ हम शिक्षित वर्ग को उसका वीडियो बनाना चाहिए कि अगर वो पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं, उनके उच्च अधिकारियों को पूछना चाहिए। स्वास्थ्य विधेय में डॉक्टर क्या कर रहा है, जो रिफर कर दे रहे हैं उनका वीडियो बनाइए, कुछ चोरी कर रहा है उसका वीडियो बनाइए, वीडियो बना के फोटो खींच करके वायरल करके देखिए दूसरे दिन सस्पेंड होगा कि नहीं होगा, दूसरे दिन सस्पेंड होगा, या सरकार भी बड़ा काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। इस सरकार पे भी कहीं कहीं दबाव है, कहीं कहीं मजबूरी है, एक घंटे के पहले नहीं ला सक रहे हैं, तो कुछ तो कम से कम ये अपना दौड़ा करें। हम लोग छोटे थे, दूसरे चौधरी साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चौधरी साहब का रिक्शे से उतर करके किस स्कूल में चले जाए, किस नसील में चले जाए, वो उतर के हमारे काफते थे। अब आज के लोग जो है मंत्री लोग नहीं पूछ पा रहे, मुख्यमंत्री की बातें छोड़ के विधायक हो गए, इसके बाद संसद विधानभवन बैठे हुए, यहाँ की कोई चिंता करने वाला नहीं है। भाई वो बात बहुत खुश है, लेकिन आप लोगों में आप लोगों का निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो है इस दूरी को चलाइए। मैं भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्था संयुक्त मंच से अध्यक्ष उदयपुर जिले जौनपुर का, हमारा इस समय दो क्लेम चल रहा है, एक प्रोटेक्शन है खराब, दूसरा मेरी क्लेम हो और दूसरा मेडिक्लेम फ्री हो, मेडिक्लेम इंश्योरेंस फ्री हो, ये तो व्यवस्था लेके चल रहे हैं। पहले अपनी व्यवस्था बनाओ भाई, पहले अपने मजबूत हो, अपने समाज को मजबूत करो। गया जब हम पहले पता चले कि हम रास्ते में जा रहे हैं, हमको कोई ठोक दिया, तो हम पहले प्रोटेक्शन है तो हमारे लिए व्यवस्था दी जाए सरकार से, तो सरकार जिम्मेदारी ले कि हमारे तो कोई रास्ते में डिस्टर्ब करता है, कोई परेशान करता है, लाता है, तो उसके लिए एक बड़ी प्रोटेक्शन एक्ट बने, इसके बाद तब हम उसके खिलाफ से लड़ने के लिए काबिल हों, और इसके बाद तब वो दूसरी इंश्योरेंस की व्यवस्था हो कि हमारा परिवार जो है जैसे बताया कि अपने सांसद के परिवार को सुविधा दी जाती है, हम लोगों को भी फ्री करें। इस तरह से धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार धर्म के बारे में काम करते हुए भी धन्यवाद देता हूँ। ये नाम है हमको कहा कि आपको आना है, तो भैया का आदेश था, हम जो है पहुँचे हैं, दुकानों को बहुत बहुत धन्यवाद।